दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। लगातार टीना डाबी की शादी की चर्चा हो रही है और हम उस पर वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कभी भी हमने आपको गलत फैक्ट गलत बातें नहीं बताई हैं। इसी के तहत एक और आपको खबर बताने जा रहा हूं। एक न्यूज़ का ये एंगल है कि आइए बताते हैं टीना डाबी, अतहर आमिर और प्रदीप गवाणी की जो रैंक रही वो क्या रही है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार लोग कहते हैं कि टॉपर थी, शादी कैसे कर ली। 2015 बैच की आईएएस टॉपर टीना डाबी की जो रैंक रही वो फर्स्ट रही, दुनिया जानती है। 2025 में से 1063 मार्क्स ला करके उन्होंने पूरे रैंक पहली हासिल की थी। इस साल दूसरे रैंक पर 2025 में से 1018 मार्क्स ला करके अतहर आमिर दूसरे नंबर पर थे, जो टीना डाबी के पति भी रहे और 2 साल बाद तलाक हो गया। बाद में टीना डाबी ने अतहर से शादी की, बाद में तलाक हुआ और अब ये कहानी हो रही। लेकिन अब जो नया इसमें जो समीकरण जुड़ा है, 2013 बैच के आई एस अफसर प्रदीप गवाणे के साथ शादी करने जा रही हैं। जरा समझिए प्रदीप की क्या रैंक थी। 2013 बैच की आई एस अफसर प्रदीप गवाणे के 2012 में सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। प्रदीप गवाणे का सी एस सी 2012 में ऑल इंडिया रैंक 478 थी। प्रदीप आईएएस बनने से पहले डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के बावजूद हमेशा आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देखते थे। सिविल सेवा में परीक्षा के चयन में उन्होंने जो परीक्षा दी उसमें उनका राजस्थान कैडर आया। वर्तमान में निदेशक पुरातत्व संग्रहालय राजस्थान के रूप में तैनात है। अब सवाल ये हो रहा है, 478 रैंक अगर थी तो उनसे एक टॉपर शादी क्यों कर रही होंगी। तमाम सारे सवाल हो रहे हैं क्योंकि जब अतहर आमिर की हुई तभी लोगों ने कहा उन्होंने जूनियर से शादी कर ली। हालांकि उसमें रैंक के हिसाब से देखा जाए तो भले कम थी लेकिन जूनियर वो नहीं थे क्योंकि वो उनके साथ के थे और साथ में उनकी रैंक थोड़ा सा कुछ नंबरों से नीचे हो गई थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अतहर आमिर ने पहले भी, उसके पहले भी उन्होंने परीक्षा दी थी आईएएस की जिसमें उनको 560वीं रैंक मिली थी। उसको सुधारने के लिए 2015 में दोबारा परीक्षा दी, लेकिन आईएएस प्रदीप ने शायद दोबारा परीक्षा दी या नहीं दी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें 478वां रैंक मिला था। अब यही सवाल हो रहा है कि क्या टीना डाबी ने अपने से कम रैंक वाले शादी कर ली। जब उन्होंने पहली बार चुनाव किया था तो वो उनके डिसीजंस अच्छे बताए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं दूसरी बार उनकी ये उनके मन की स्थिति है। तो इस तरह से लगातार टीना डाबी, अतहर आमिर और प्रदीप गवाणे के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा इसमें और कौन जो है किसके साथ कितने रैंक पे रहा है, क्या किया है, ये सारी बातें लगातार चल रही हैं और इसीलिए हमने ये जानकारी लाने का प्रयास किया। काफ़ी रिसर्च करना पड़ा और वहाँ से जाकर के हमने खोजा और वहाँ से आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों 2015 बैच की टॉपर आईएएस टीना डाबी ने जो शादी की थी अतहर आमिर से, तो उनकी सेकेंड रन थी, रैंक थी। लेकिन अब जब इन्होंने शादी करी प्रदीप से तो प्रदीप की मैंने बताया कि इनकी रैंक उतनी नहीं थी और कम रैंक थी, 478वां रैंक था, लेकिन आईएएस हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं, कई जगहों पर डीएम रह चुके हैं। तो इस तरीके से जहां टीना डाबी की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं, वहीं ये भी बात सामने आ रही थी रैंकिंग को लेकर के, जो रैंक बड़ी मायने रखती है। और इस तरीके से 2013 बैच के आईएएस अफसर प्रदीप गवाणे भले ही 478वीं रैंक हो, लेकिन उनके सामने जो उनकी पत्नी बनने जा रही हैं और टॉपर रही हैं और उन्होंने जब पहली शादी की थी अतहर आमिर से तो वो सेकेंड रन पे थे, उनका सेकेंड रैंक था। तो ये जानकारी आपको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लगातार कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि क्या रैंक है और किस रैंक पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार हमने कहा है कि टीना डाबी की शादी तक हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट अभी तक डिलीट हो चुका है, उन्होंने कर दिया है, हट गई हैं, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है मुझे जहाँ से मिलेंगी मैं आपको लाने का और दिखाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। आप देखते रहिए इसी तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।